नमस्कार दोस्तों, अब गोल्ड के लिए भी ई वे बिल को बनाना जरूरी कर दिया गया है। इसके लिए नई गाइडलाइन जारी की गई हैं। दोस्तों चलिए चलते हैं नई गाइडलाइंस पे, लेकिन इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर GST के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों GST एक्ट के अंतर्गत गोल्ड के लिए ई वे बिल स्टेट वाइज जो है वो गाइडलाइंस अप्लाई होंगी, तो चलिए चलते हैं जो प्रेस रिलीज जारी की गई है। दोस्तों गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन पे ई वे बिल जनरेशन गोल्ड के लिए इनेबल कर दिया गया है, यानी कि जो गोल्ड HSN चैप्टर 71 में आता है, भले ही आप इंट्रा स्टेट मूवमेंट करें या फिर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स करें। दोस्तों इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है ई वे बिल गोल्ड की मूवमेंट के लिए वो एप्लीकेबल होगा। तो ई वे बिल की जो ऑप्शन है वो इनेबल की गई है ई वे बिल पोर्टल पे, इसके लिए सेपरेट ऑप्शन इनेबल की गई है मेन मेन्यू में। तो ई वे बिल के जो पैरामीटर वो सभी सेम है जो कि नॉर्मल ई वे बिल में आपको एंटर करने होते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पार्ट बी की डिटेल अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, यानी कि जो व्हीकल की नंबर की डिटेल होती है वो आपको अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। जो वैलिडिटी होगी ई वे बिल गोल्ड की मूवमेंट के लिए वो कैलकुलेट की जाएगी जो आप पिन टू पिन डिस्टेंस एंटर करेंगे, यानी कि ओरिजिन से लेके डेस्टिनेशन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो पिन कोड के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप ई वे बिल पोर्टल पे लॉगिन करेंगे, आपके यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे ई वे बिल के अंतर्गत सबसे लास्ट में देखिए ई वे बिल फॉर गोल्ड दिया गया है। यहाँ पे आप क्लिक करके गोल्ड की मूवमेंट के लिए ई वे बिल बना सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ई वे बिल फॉर गोल्ड एंट्री फॉर्म जो है ऑलमोस्ट सभी पर्टिकुलर सेम है जो कि आपको नॉर्मल ई वे बिल में डालने होते हैं, जैसे कि सप्लाई टाइप आउटवर्ड है या फिर इनवर्ड है, सब टाइप सप्लाई है, एक्सपोर्ट है, जो वर्क है, सेमी लॉकडाउन कंडीशन, कम्प्लीटली लॉकडाउन कंडीशन, लोड्स में है, CPI नॉट नॉन फॉर ऑन यूज़ फॉर एग्जीबिशन और फेयर, लाइन सेल एंड अदर्स। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करेंगे, टैक्स इनवाइस है, बिल ऑफ सप्लाई है, डॉक्यूमेंट नंबर, डॉक्यूमेंट डेट, बिल फॉर्म में आपका जो एड्रेस है वो आ जाएगा, बिल टू में आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे आइटम डिटेल जो है वो एंटर कर सकते हैं, टैक्सेबल अमाउंट, CGST, SGST, IGST अमाउंट इट एक्स्ट्रा। और यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रांसपोर्टेशन की डिटेल एंटर नहीं करनी है, सिर्फ आपको यहाँ पे पिन टू पिन का जो डिफरेंस है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा जो आप पिन कोड एंटर करेंगे यहाँ पे बिल फ्रॉम से बिल टू के एड्रेस में, उसके बेस पे डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा और आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा। दोस्तों गोल्ड के लिए ई वे बिल जनरेट करते हुए आपको ध्यान रखना है कि आप उसमें जो आइटम एंटर करेंगे वो HSN चैप्टर 71 से ही बिलोंग करने चाहिए। यदि आपकी आइटम्स HSN चैप्टर 71 से बिलोंग करती हैं और दूसरे चैप्टर से भी, तो उस केस में आपको नॉर्मल ई वे बिल जनरेट करना है और उसमें पार्ट बी की डिटेल भी एंटर करनी है, यानी कि व्हीकल नंबर की डिटेल्स हैं। दोस्तों जब आप गोल्ड के लिए ई वे बिल बनाएंगे तो नीचे दी गई फंक्शनैलिटीज़ होंगी, आपको पार्ट बी जो है वो भरने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी कि व्हीकल नंबर, आपको ट्रांसपोर्टर की जो डिटेल है वो अपडेट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हैं, आप ई वे बिल को एक्सटेंड कर पाएंगे बिना पार्ट बी की डिटेल अपडेट किए हुए, यानी कि बिना व्हीकल नंबर अपडेट किए हुए। आप मल्टी व्हीकल की फैसिलिटी इसमें अलाउ नहीं की जाएगी, वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा जो कैंसिलेशन और रिजेक्शन होगी ई वे बिल में, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। जैसे पहले आप कैंसिलेशन या रिजेक्शन करते हैं उसी प्रकार का जो टाइम पीरियड है वो अलाउड है। दोस्तों आप इस प्रेस रिलीज को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूजफुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए और वो GST की कॉम्प्लायंस कर पाए। रेगुलर GST और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA Satbir Singh टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।